अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो है एक स्टार्टअप के तारुफ के बारे में जिसका नाम है गुफ्तगू पब्लिकेशंस। मैं इनके साथ शुरू से ही कनेक्टेड हूँ एडवाइज़र के रोल के अंदर, कोई अर्सा 3 साल का अर्सा हो गया है। तो सोचा कि जो स्टोरी है, जो चीज़ें सीखी, जो लर्निंग हुई, वो आपसे शेयर भी कर लूँ और इस बहाने इस स्टार्टअप को आपसे मुतारिफ़ करवाऊँ। गुफ्तगू पब्लिकेशंस का जो आइडिया था बड़ा सिंपल था। वो आइडिया ये था कि अच्छा तालीमी मवाद जो अमूमी तौर पर बच्चों तक अवेलेबल नहीं होता, जिन तक उनकी रसाई नहीं होती, वो उनको उनकी ज़ुबान में पहुँचा दिया जाए। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें और सैकड़ों किताबें दुनिया में अवेलेबल हैं। हमारे बच्चे डॉलर्स में बुक्स आती अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बहुत से बच्चे अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं पढ़ सकते कि किताब को पढ़ के उसको अच्छी तरीके से समझ जाएँ। तो हमने फोकस किया गुफ्तगू के अंदर कि किताबें उर्दू में लिखेंगे, क्योंकि जो शख्स अंग्रेज़ी किताबें अफोर्ड कर सकता है, अंग्रेज़ी पढ़ सकता है, उसके लिए पूरी दुनिया खुली हुई कहीं से भी पढ़ सकता है। हमारी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को वो तमाम चीज़ें ट्रांसलेट करके या उसे माखूज करके या नई किताबें लिख के उर्दू के अंदर पहुँचाई जाएँ, और ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अंदर फिर हम ये सोचते हैं कि जो लिखने वाले नए लिखने वाले हैं उनको सराहा जाए। अगर आप किसी इस्टेब्लिश पब्लिशर के पास जाते हैं तो वो पहली बात तो आपका मुसवदा लेने को तैयार नहीं होते। अगर वो ले भी लेते हैं तो छपाई के पैसे भी आपसे मांगते हैं 2-2.5-3 लाख रुपये, और आपको रॉयल्टी के नाम के ऊपर 1 टका भी नहीं देते। कोई अगर आप मुसनसर हुसैन तारड़ बन गए, डॉक्टर अमजद साकिब बन गए, तो शायद आपको थोड़ी बहुत कोई 10-20% रॉयल्टी मिल जाए रो पिट के 6 महीने 8 महीने साल के अंदर, वरना वो भी नहीं मिलती। IPR का तो आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ जो चाहे कर ले, कोई किसी रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। तो गुफ्तगू पब्लिकेशंस ने ये सोचा कि इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेंगे और वो किताबें जो हमारे माशरे का, हमारे विरसे का, सकाफत का हिस्सा नहीं रही, उन कहानियों को, उन किताबों को वापस लाया जाए और किया जाए। इसमें एक डाउनलोड सेक्शन बना दिया गया है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी किताबें फ्री अपलोड कर दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ मसाइल का भी सामने आया। एक तो सबसे बड़ा मसला झूठ है, लोग ऑर्डर कर देते हैं और फिर ऑर्डर रिसीव नहीं करते, उसको वापस कर देते हैं। 300-350 ऑर्डर एक एक हफ्ते में वापस आते हैं। एक ऑर्डर के ऊपर TCS वाले, कोरियर सर्विस वाले तकरीबन 200 रुपये लेते हैं। फिर जब ऑर्डर वापस आता है तो किताब इस कंडीशन में होती ही नहीं है कि उसको वापस भेजा जा सके। तो अगर आप एक ऑर्डर करते हैं और फिर वो ऑर्डर जानबूझ के वसूल नहीं करते तो पब्लिशर को, स्टार्टअप को कम से कम भी 800 से 1000 रुपये का नुकसान होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, तो ये नुकसान होता है जो तकरीबन ऑन एवरेज सिर्फ जो रिटर्न डिलीवरीज हैं वो तकरीबन 18 लाख रुपये पर पहुँच चुका है साल का। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा, बहुत सारी किताबें जो हम चाहते हैं पढ़ाएँ, लोग पढ़ें, लगे लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। मुसद्दस हाल ही में किताब का जिक्र है अलमुजस्ती, ये क्लाउडियस टॉलमी ने लिखी थी 2nd सेंचुरी में शायद। इल्मे नुजूम की किताब है, फल्कियात, इल्मे फल्कियात की किताब है। तो ये पढ़ाई जाती थी हमारे मदारिस में, 100-150 साल पढ़ाई गई। मुसद्दस आली में भी इसका जिक्र है। तो हमने ढूंढा ये किताब गई किधर, पता चला इसकी अरबिक ट्रांसलेशन थी और इसकी एक कॉपी अवेलेबल है ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर। उन लोगों से बात की तो उन्होंने बोला जी $4.50 लेंगे पर पेज, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन देने का। खैर, उनको हमने $1000 पे किए, किताब मंगवाई, किताब को गुफ्तगू पब्लिकेशन से छापा, पूरे पाकिस्तान में एक कॉपी नहीं बिकी। क्योंकि मदारिस पढ़ाते थे, जब उनसे पूछा तो कह रहे हमारे पास पढ़ाने वाला ही मौजूद नहीं है और बाकी लोगों को तो ज़्यादा पता परवाही नहीं इस चीज़ के लिए। खैर, उस किताब को हमने फ्री अपलोड कर दिया। अभी हम इमाम गजाली साहब की ऑटोबायोग्राफी ला कर आ रहे हैं अंधेरे से उजाले तक, और उनको लाहौर में पब्लिशर ने छापा था, ख़त्म हो गई है, तो वापस प्रिंट करवा के आप लोगों के पास वापस पेश कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें हैं, हम अच्छे अच्छे ऑथर्स को लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे किताब है मुस्तफ़ा नफीस की, वन ऑफ़ दी बेस्ट बुक्स आई हैव रीड इन माई लाइफ ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। सना रशीद की किताब है आर और पाइथन के ऊपर, इसवंत यार की किताब है लिनक्स के ऊपर, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। क्योंकि मैं घूमता ज़्यादा रहता हूँ कंसल्टिंग में और बहुत सारी ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ, पिछले 4 सालों में मैंने 176 सर्टिफिकेशंस किए हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, डेटा साइंस, AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और तकरीबन $90,000 खर्च किए हैं। जो कुछ सीखा है समराइज वर्जन के अंदर बिल्कुल आसान उर्दू ज़ुबान में इन किताबों में आपके आपके सामने लिख दिया है, जो 400-500 रुपये में आपके पास अवेलेबल है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ें, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इट वुड सेव एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ टाइम दैट यू वुड हैव स्पेंड अदरवाइज ऑन कोर्सेरा, लिंडा, यूडेमीज, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और समवेयर एल्स, एंड इट विल सेव यू $1000s एज वेल। लेकिन अगर आप ये किताब भी ना पढ़ें और इसमें भी ये फेक ऑर्डर करते रहें, एक शख्स ने ऑर्डर किया 10 किताबों का, किताबें भेजें, उसने रिसीव नहीं किया, पार्सल वापस आ गया, उससे रब्ता किया, उसने बोला जी माफ़ी चाहता हूँ, आप वापस भेज दीजिए और मैं इस दफ़े ना डबल शिपमेंट के पैसे दे दूँगा। फिर किताबें भेजी, उसने फिर रिसीव नहीं की, फिर उसे कॉल लगाया तो कह रहा है बस मैं आप लोगों को ना मज़ा चखाना चाह रहा था, आप लोगों ने स्टार्टअप बनाया हुआ है और आप लोगों को लूट रहे हैं, तो इसी तरीके से होना चाहिए।
एक साहब और थे, उन्होंने बोला कि जी मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे 10-20 किताबें फ्री भेज दीजिए। उनको मना कर दिया, तो वो हैकिंग वगैरह की कोर्स करवाते हैं, उन्होंने पूरी क्लास को असाइनमेंट दे दी कि आप गुफ्तगू की वेबसाइट को हैक करें, इस वेबसाइट को मेंटेन करना, इसको चलाना, ठीक ठाक इसके ऊपर खर्चा होता है, प्रिंटिंग के पैसे, जो प्रिंटर है लाहौर के अंदर, अब यकीन जानिए उसके पास 8-8 घंटे बिजली नहीं होती, तो उसको जनरेटर दिलवा के दिया हुआ है, उसको घर से उठा के लेकर आते हैं कि भाई बुक टाइम के ऊपर प्रिंट कर दो। मैं तमाम मसाइल इसलिए नहीं बता रहा कि आप बोलें कि जी मैं रोना रो रहा हूँ कि जी बिज़नेस नहीं किया, तमाम बिज़नेस में अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ चैलेंजेस वो होते हैं जो कुदरती होते हैं, ठीक है, वो सब एक को आते हैं, बारिश हो गई, बाकी कोई मसला हो गया तो ठीक है, कुछ वो चैलेंजेस होते हैं जो हमारे माशरे ने हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं और जो कि शायद नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे फेक ऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे बिला वजह गालियाँ देना और तबसरे करना, यकीन करें लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए। मेरी मशीन लर्निंग की जो किताब आई है साई किट का, शायद ही कोई ऐसा अल्गोरिथम रह गया हो जो हमने आसान उर्दू ज़ुबान में ना समझा दिया हो, और लोगों ने तबसरे करके वेबसाइट्स बना बना के उस पर लिखना शुरू कर दिया है, उन लोगों ने वो किताब पढ़ी भी नहीं है। हम चैलेंज से इसलिए कह सकते हैं कि मेरी किताब रिलीज़ ही नहीं हुई थी, प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पब्लिश हो रही थी, प्रिंट हो रही थी, तब उनकी वेबसाइट के ऊपर वो तबसरे आ चुके थे और वो दरबते बुराइयों के तबसरे थे। क्या फ़ायदा मिलता है कुछ नहीं पता इन तमाम लोगों से जो बिला वजह की तनकीद करते हैं, जो लगता है कि इस तरह का काम करने के बाद गुफ्तगू पब्लिकेशंस वाले या स्टार्टअप्स करोड़ों अरबपति हो जाते हैं। उनसे मेरी दो दरख्वास्तें हैं, पहली दरख्वास्त ये एक किताब पूरी लिख के छपवा के सेल करके इस पूरे प्रोसेस से ज़िंदगी में एक दफ़े गुजर जाएँ, तो आपके आपको पता लगे कि काम करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। दूसरा, वो तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं मेरी किताबों के ऊपर, उनसे भी दरख्वास्त है कि मशीन लर्निंग की किताब पढ़ लीजिए, वो जैसे उसमें चैप्टर्स लिखे हुए एक चैप्टर लिख के उर्दू के अंदर मुझे भिजवा दीजिए, उसके बाद जो आप तनकीद करेंगे वो सर आँखों के ऊपर, हम उसको कबूल भी करेंगे, उससे सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। तो बहरहाल ये गुफ्तगू पब्लिकेशन हैं, इसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोशिश करने के लिए आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, आपसे सपोर्ट चाहिए। मैं लिंक्स यहाँ पे इसके कुछ दे रहा हूँ, कोशिश करें इसको एक्सप्लोर करें, इसको आगे लोगों को बताइए, कोशिश करें इस मकसद में आप हमारा साथ दीजिए। हमारे नए बच्चे, नई नस्ल बहुत ज़्यादा एथिज़म के बारे में पढ़ के, मुलीदाना चीज़ों के बारे में पढ़ के बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गई है, ना कायदे उनके अपने रहे, ना कंसेप्ट अपने रहे, ना उनको बात समझ में आती है। मशीन लर्निंग पढ़ लेते हैं, AI डेटा साइंस पढ़ लेते हैं, लेकिन आप बेसिक कोई एल्गोरिथम पूछ लें तो आम मिसाल में आम जबान में आपको समझा नहीं सकते। हाँ, रटी रटाई डेफिनेशन आती है लेकिन वो अंदर से नहीं निकलती। यही हमारी कोशिश है इस पब्लिकेशन हाउस के अंदर कि अच्छी किताबें पब्लिश की जाएँ, आप लोगों को मुनासिब नरखों पर दी जाए, कम जितने कम हमारे पास फेक ऑर्डर्स आएंगे उतनी ज़्यादा सस्ती किताबें हम आपको दे सकते हैं। जितना ज़्यादा नुकसान ये वेबसाइट हैक करने में बाकी चीज़ में मिलेगा, प्राइस दर बातें उसकी इतनी बढ़ जाएगी सिर्फ उसको सस्टेन करने के लिए। 3 साल के अरसे में 3 CEOs इस इदारे को छोड़ के जा चुके हैं। अगर यही रविश रही माशरे की हमारे साथ, तो हमें बहुत जल्दी ये इदारा बंद करना पड़ेगा। चॉइस आपके हाथ में है, आप चाहते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें मिलें या आप चाहते हैं कि नहीं मिलें। इससे पहले भी हमारा गुजारा हो रहा था, इसके बाद भी हमारा गुजारा इंशाल्लाह हो जाएगा, इसके पैसों पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन आप देखें कि आपको ये जो किताबें मिल रही हैं इस इदारे से, वो कहीं और से मिल भी सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा जानिए, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।